दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में। दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ चुकी हैं, तो इस वीडियो में सारी अपडेट को कवर करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे GIC प्रवक्ता कॉलेज चॉइस और LT ग्रेड प्रतीक्षा सूची को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि LT ग्रेड 2018 भर्ती की सेकेंड जो प्रतीक्षा सूची है कुछ विषयों की जारी हुई है और यह भर्ती अब तक कॉलेज चॉइस के लिए इंतजार कर रहे थे। साथ में GIC प्रवक्ता भर्ती 2020 के सभी विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका है और यह भर्ती भी अब कॉलेज चॉइस के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो अभी तक जो सूचना मिल रही, तो सूचना के अनुसार दोनों के लिए कॉलेज चॉइस एक ही समय पर एक साथ खोला जाएगा। लेकिन अब जो अपडेट मिले उस अपडेट के अनुसार GIC प्रवक्ता कॉलेज चॉइस में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से इसकी कॉलेज चॉइस में अभी देरी होगी। कहने का मतलब है अभी इनको और इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ में LT ग्रेड प्रतीक्षा सूची की बात कर लेते, जो लोग इस भर्ती से संबंधित हैं उनके लिए कॉलेज चॉइस का पोर्टल पहले खोलने का प्रयास करा जा रहा है। ठीक है, पहले LT ग्रेड वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को कॉलेज चॉइस मिलेगी और इसके बाद फिर प्रवक्ता वाली ज्वाइनिंग होगी। कारण इसमें यह है कि LT ग्रेड पहले का मामला है, उसमें पहले से देरी हो चुकी है और प्रवक्ता वाला थोड़ा सा अभी रिसेंट का मामला है। इस वजह से जो प्रतियोगी मोर्चा की टीम वो चाहते हैं कि GIC प्रवक्ता में ऑलरेडी मामला फंसा हुआ है तकनीकी पक्ष को लेकर के, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तो LT ग्रेड को विलंब क्यों किया जाए। इस वजह से छात्र चाहते हैं कि अब पहले LT ग्रेड का कॉलेज चॉइस करवाया जाए और इसके बाद प्रवक्ता का करवाया जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रौद्योगिकी मोर्चा द्वारा बताया गया है कि पहले LT ग्रेड 2018 के जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनका कॉलेज चॉइस पोर्टल खोलने के लिए प्रयास किया जा रहा है और GIC प्रवक्ता में तकनीकी कारण होने के कारण ये मामला फिलहाल अभी और ज़्यादा विलंब होगा। तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। दूसरी अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन नहीं किए हैं वो आज हर हाल में कर लें, क्योंकि आज आवेदन करने की लास्ट डेट है। आज के बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक बार ऑलरेडी डेट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पहले ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट थी वो 7 अगस्त थी, ठीक है, और अब जो है इसको बढ़ाते हुए 23 अगस्त कर दी गई थी। तो आज 23 अगस्त है, अंतिम दिन है, आप लोग आवेदन जरूर कर दीजिएगा। UPSC की वेबसाइट पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे अंतिम अपडेट के बारे में, जो कि लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल निगम में AE और JE के 840 पदों पर भर्तियां शुरू होने वाली हैं। इसका अधियाचन लोक सेवा आयोग को पहुंच चुका है। यहां पर लास्ट में आप लोग देख सकते हैं लिखा कि जल निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार दत्ती ने पत्रकार वार्ता में बताया कि तकनीकी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 2021-22 के लिए सहायक अभियंता सिविल के 80 पद, सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक के 18, कुल 98 पद तथा अवर अभियंता के 518 पद व अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक और सिविल दोनों को मिलाकर के 518-124, ठीक है, पदों का जो विज्ञापन अधियाचन है लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। तो कहने का मतलब आने वाले टाइम पर लोक सेवा आयोग से AE और JE भर्तियों का विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं पर आपको बता दें अन्य कई सारे लिपिक संवर्ग में भर्तियाँ हैं, तो इन पदों का जो भर्ती का प्रस्ताव है वो UPSSC को भेजा जाना है और वहाँ से आपको UPSSC के माध्यम से लिपिक संवर्ग की जो भर्तियाँ उसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो ये हो गई सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।